इस समय हम लोग एमजी रोड पर हैं और मैं आज आप लोगों को आगरा कॉलेज पर बन रहे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम दिखाने के लिए लेकर चल रहा हूं। तो चलिए आप भी देखिए इस कार्य को किस प्रकार किया जा रहा है। ये मेट्रो स्टेशन आगरा कॉलेज के प्लेग्राउंड पर बनाया जाना है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये आगरा कॉलेज का बस स्टैंड है और यहाँ से बैरिकेडिंग स्टार्ट होकर आगरा कॉलेज के प्लेग्राउंड के गेट तक लगाई गई है और ये टेंडर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का एफकॉन सेम इंडिया कंपनी को मिला है। और हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कॉलेज के प्लेग्राउंड पर बन रहे मेट्रो अंडरग्राउंड स्टेशन की साइट पर। सामने आप लोग देख रहे हैं इस मशीन से जिसे कि हाइड्रो ड्रिल मशीन कहते हैं। इस मशीन द्वारा रेक्टेंगुलर शेप में लगभग 1.3 मीटर चौड़े और 2.5 मीटर लंबे ड्रिल किए जा रहे हैं। ये एक अपने साइज के पिट बनाए जाते हैं। देखिए इस हाइड्रो ड्रिल मशीन द्वारा किस तरीके से ये पिट बनाए जा रहे हैं। पिट बनाते समय पिट में पॉलीमर स्लरी और पानी का घोल बना के साथ ही साथ डाला जाता है जिससे कि वॉल्स वगैरह कोलैप्स ना हो। ये सामने जो आप वाइट कलर के बैग्स देख रहे हैं इन्हीं में पॉलीमर स्लरी रखी गई है और एक बड़े से टैंक में इनको घोल कर इसको मिशन को तैयार किया जाता है और पाइप द्वारा स्पिट में ड्रिलिंग के साथ साथ भेजा जाता है। सामने की ओर आप लोग देख सकते हैं ये सरियों के केजेस बनाए जा रहे हैं जिन्हें के वेल्डिंग करके और कपलर द्वारा जोड़कर बनाया जाता है और इन्हीं केजेस को पिट में बाद में इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट करने के बाद इनके अंदर सीमेंट और कंक्रीट का घोल डाला जाता है जिससे कि यह एक पिलर का आकार ले लेते हैं। इन पिलर्स के बन जाने के बाद जितने एरिया में स्टेशन को बनाया जाना है उसकी लगभग 22 या 23 मीटर की गहराई तक खुदाई की जाती है और इसके बाद ही टनल बोरिंग मशीन का काम शुरू होता है। और अब हम लोग आगे की ओर चलते चलते आगरा कॉलेज के प्लेग्राउंड के पिछले हिस्से की ओर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे बंदर यहाँ घूम रहे हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितनी मस्ती से ये लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और बैठे हुए हैं। मुझे याद है मैं सबसे पहली बार इस आगरा कॉलेज के प्लेग्राउंड पर 94 में आया था जब मैं सेंट जॉन्स कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मेरे किसी फ्रेंड का जो कि आगरा कॉलेज में पढ़ता था उसका फुटबॉल का मैच था और उसी मैच को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। देखिए ये बंदर किस प्रकार मस्ती से बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं जिन्हें के किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। इस प्लेग्राउंड का काफ़ी बड़ा हिस्सा आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में एक्वायर कर लिया गया है जिस कारण इस प्लेग्राउंड का साइज़ अब काफ़ी छोटा रह गया है। तो ये था आज का आगरा कॉलेज पर बनने वाले मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन का वीडियो और आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे होने वाले मेट्रो के सभी काम आपको देखने के लिए मिल सकें।